जंगल भात चली है पता चला है। भाई जंगल जंगल भात चली है पता चला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये है खिला हुआ फूल, इसका मतलब कि मैंने चड्डी पहनी है। यकीन नहीं आ रहा आपको? तो मैं यकीन दिलाऊंगा थोड़ी। मैं शिकारी हूं, आज मैं शिकार करके जाऊंगा। अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मैं अपने बाप की लोथी औलाद नहीं, एक बाप की औलाद नहीं। पर यार छोड़, इतनी सी बात के लिए पड़ोसी को क्या तंग करना है यार। अरे इंसानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं डोंकी, मैं हूं डोंकी, मैं हूं डोंकी, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं डोंकी। कौन है तू? ओ सर जी, बात पता है क्या है? ओए तू मेरी तरह बोलता है? ओए तू कहीं गधा तो नहीं? देखो शेखर जी, अपनों को अपने ही पहचानते हैं। सुरेंद्र पहचाना तूने? नहीं ना। यार कमाल है, ओ तू है गधा, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मैं गधों का VIP हूँ। और शर्मकार ठाकुर, शर्मकार शक्ल से गधा होना जरूरी नहीं, टैलेंट भी होना चाहिए। खैर तू जंगल में क्या कर रहा है? सर जी जंगल हमारा है, हमें पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिकारी हूँ, मैं शेर मारने आया हूँ। शेर मारने? कभी कुछ मारा है पहले? जब मैं मारता हूँ ना पता भी नहीं चलता। क्यों अर्चना जी, जब मैंने कल आपका पर्स मारा आपको पता चला? नहीं ना। दीदी साहब, इन्होंने आपका पर्स मारा आपने बताया तक नहीं। ओ यार मैं बताता हूँ, इधर जब इनका मैंने पर्स मारा ना घर पे लाया, सबसे पहले तो मैंने सुरेंद्र की फोटो निकाल के बाहर फेंकी। हराम जादे, मेरे भाई की फोटो फेंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ यार कमाल है, उनकी रखने की हिम्मत हो सकती, मेरी फेंकने की हिम्मत नहीं हो सकती। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये समझता है कि मैं शिकारी हूं, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तैयार हो रहा मरने के लिए। ओए ये क्या कर रहा? सर जी आप ही ने कहा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तैयार हो रहा हूं। अब देखते रहा क्या हाल करता हूं मैं। तू मुझे नहीं मार सकता? क्यों? मैं अपने मालिक को कंप्लेंट कर दूंगा। कौन है तेरा मालिक? शेखर जी। यार एक तो मेरे को ये नहीं समझ आई, एयर होस्टेस डोली का मालिक शेखर जी, और भिखारी का मालिक शेखर जी, सबका मालिक शेखर ही है। सबका मालिक? अरे तू एक बार इनकी सोनी की पेमेंट तो होने दे, ये सब क्या FTV भी खरीद लेंगे। FTV से मुझे याद आया। हेलो। यार प्लीज सीरियस मामला, क्या क्या याद आया? कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। FTV से बर्थडे याद आया? कहाँ जा रहे हो सर जी? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी हो? ओ ठाकुर तूने लिखी है? अरे सर जी कमाल करते हो, ये तो बड़ा जेन्युइन आदमी है, ये अपनी थोड़ी लिखता है, ये बॉर्डर के बाहर से माल लाता है मनुष्य। मैं चलता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड कश्मीरा मेरा वेट कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये समझता है कि मैं डर गया हूँ, और मैं इससे डरता थोड़ी हूँ, मैं तो कश्मीरा से डरता हूँ। पता क्या है, मैं तो हैरान होता हूँ शेरनी ने गधे को रखा कैसे यार। जिस दिन ये मुझे मिल गया ना दोबारा, इसको कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं मारा ना तो मैं मुंह छुमटवा दूंगा। पर नहीं यार मैं मार नहीं सकता, मुश्किल है थोड़ा, छोड़ यार ये ले। इसको फेंकना नहीं, हो सकता है दोबारा उसको मार दूं, जरूरत पड़ेगी मुझे। यार मैं
मैंने बिल्ली को चूहे खाते हुए देखा, पहली बार चूहा बिल्ली खा रहा यार। तो है यार, तू बिल्ली क्यों खा रहा हो? सर जी, ये तो सिर्फ मेरा नाश्ता है, डिनर टाइम में मैं इंसान खाता हूँ, डिनर टाइम। सर जी आप कौन हो? एक तुम क्या नहीं खाते? कुत्ता। तो समझो मैं कुत्ता ही हूँ। सर जी आप इस जंगल में सुबह से अकेले घूम रहे हो, सुबह से आपने कुछ किया भी नहीं होगा सर। जंगल में नई मसाज वाली आई है सर। तेरा दिमाग खराब है, इस उम्र में मैं इतना खर्चा थोड़ी कर सकता हूँ। खर्चा भी नहीं कर सकते? समझ गया सर। गे 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 क्या गे गे कर रहे हो? गेस्ट सर, आप हमारे गेस्ट हो। जैकी जिराफ कैसा रहेगा सर? हमेशा कहता रहता है बड़ो 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 बड़ो। आज भिड़वा दूं सर? हट जा। पता नहीं यार क्या समझता है ये चूहा। सर अगर माइंड चेंज हो गया हो तो हाइना हेडन कैसी रहेगी सर? तेरी माँ का साकी ना कर। ये क्या ताड़ी मार के मेरी इज्जत नहीं बेइज्जती हो रही है मेरी? मैंने कौन सा शेर को छोड़ दिया है? चूहा चूहा मैं डरता नहीं हूँ। और मैं शेर से नहीं डरता, हाथी से नहीं डरता, भालू से नहीं डरता, यहाँ तक यहाँ पे सांप भी आ जाए ना उससे भी नहीं डरता। चल बाहर निकल, बिल में ना घुसे ना। चल ओ ये क्या किया है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है। पर ये क्या किया? मैं अपने कपड़े बदलने आया था। माई सेल्फ अली अजगर। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता अली अजगर, मैं नहीं मानता। एक बार दो लड़कियां कपड़े उतार के नहा रही थी। हाँ तू वही है। चल पता नहीं प्रोड्यूसर जो है ना हमारा कैसे कैसे कलाकार रखे। प्रोड्यूसर से मुझे याद आया भूखमरी। ये जो भूख है ना इंसान को कहां से कहां ले जाती है। मैंने सोचा था जंगल में किसी को मारेंगे खा लेंगे, यहाँ पे कोई मिल ही रहा, मैं इंतजाम करके आऊं। आई लाइक इट मछली। और जो मछली मैं बनाता हूँ ना कोई नहीं बना सकता, मैं घर से बना के लाया हूँ। किधर गई? नहीं पता क्या है कि रिस्क नहीं लेता। सर जी अपना अपना हार्ट होता है, मैं पतीले वाली नहीं बना सकता क्योंकि मैंने महाराज जी का नाम लिया। हेलो कौन है तू? परेशान मत करक मेरे को, मैं शेरू। मेरा शेयर मार्केट में सारा पैसा अटकेला है। यार कमाल है, जब शेर का पैसा अटका तो हम क्या दिया? जानवरों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जानवर यार ये तो भगवान के रूप है, क्यों इनको मारना है यार?
जानवर को, शेर को तो बिल्कुल ना मारो यार, शेर है कितने। आज रोहित जी से पूछेगा नहीं, मैसेज ठीक है। मेरी जान पे बनी तुझे मैसेज की पड़ी हो। ये गन कहां से लाए? ये गन गवर्नमेंट ने हमको डिफेंस के लिए दिए लाए। साले किधर हम लोग 3,000 थे, किधर 1,412 हो गए ले। पर यार टीवी पे तो 1,411 बता रहे थे। अभी अभी कल मेरे को एक बच्चा हुआ है ना, उससे मैं ऐड कर रहा हूँ। साले अब तू मरने की तैयारी कर। नहीं नहीं, माफी माफी सर जी, मुझे छोड़ दो, मैं घर पे अकेला हूँ। मेरे दो भाई वो भी बैंक में, तीन बहनें वो बैंकॉक में। हो गया ना घर पे अकेला, मुझे मत मारो मुझे। ये देखो, एक इंसान की मरने की बारी आई तो यहां पे रो रहा है। आप सब लोगों में जब एक आदमी मरता है तो आप लोग कितने दुखी होते हो। कभी कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो, आप लोगों की तो जुबान भी होती है कहने के लिए। लेकिन हम बेजुबान जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। हमें मत मारा करो, हमें मत मारा। शेखर शुरू कीजिए। तुम लोग इस कदर दीवाने लोग हो यार, क्या करते हो? मतलब यू आर सच वंडरफुल एक्टर्स कि हम लोगों को हंस हंस के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अर्चना हम दोनों की मैयत निकलने वाली थी। एक वक्त ऐसा आ गया था हमने कहा कि हम उठ के जाने वाले। आप लोग ये कहाँ से लाते हो? ये क्या आप लोगों का सुर हर वक्त लगता है और एवरी टाइम इट्स बेटर देन द लास्ट टाइम और 100 times बेटर देन द लास्ट टाइम। अब लगता है अब इसके आगे ये दोनों क्या करेंगे, फिर कुछ लेके आ जाते हो। तुम लोगों की जो क्षमता है, तुम लोगों की जो प्रतिभा है वो अनंत है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक यार, माइंड ब्लोइंग। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे टैलेंट में भगवान दिखता है, एंड यू बोथ आर सो टैलेंटेड। ये एक ब्लेसिंग ही हो सकती है ऊपर से, बिकॉज आप उसके लिए काम कर सकते हैं, उस टैलेंट को और रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट टू बोथ ऑफ यू। और आज आपने हमें हंसाते हंसाते वैसे भी रुलाया और एंड में मैसेज के साथ भी रुलाया। आई बिलीव दैट एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड एंड डेफिनेटली लेट्स सेव द टाइगर। ग्रेट मैसेज, ग्रेट एक्ट, ऑल ऑफ अस हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे। रोहित कृष्णा, जो आप करते आ रहे हैं और जो आज आपने किया है, वो बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि वो एक्टर हैं, वो दूर हो जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, इन द कमिंग 5 years विल बी ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ एक्टर्स वी हैव इन आवर इंडस्ट्री। Mark my words today. जो परफॉर्म किया है अपने सुदेश, मैं आपको तारीफ करूंगा 2 मिनट। नहीं सर, मैं ऐसा सोचता नहीं, जब मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं तो बाकी बातें बातों का तो कह रहा नहीं, मुझे मेन आप ले रहे हैं तो बाकी कह रहे हैं। वेल हम सब जानते हैं कि आपके स्कोर्स क्या है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी है भाई, करनी पड़ेगी। पहले तो ये आपको भी हिप्पो और आपको भी हिप्पो, दोनों को हिप्पो। मेरी तरफ से हिप्पो और 10 Hippo and 10 points again. Wow, wow. Rohit? No suspense. 10 points. Thank you so much. Sota Kalia Amare.